फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग एक नई रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि है क्यूमीन प्रोसेस और फॉग प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं। क्यूमीन प्रोसेस द प्रोसेस इन विच इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ phenol and acetone by the reaction of benzene and propylene तो क्यूमीन प्रोसेस एक चीप प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंडस्ट्रियल लेवल पर फिनॉल और एसीटोन बनाते हैं जो कि काफी वैल्यूएबल है। तो देखते हैं क्यूमीन रिएक्शन के बारे में। तो इट इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन फ्री रेडिकल टाइप ऑफ रिएक्शन है ये। इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन मॉलिक्यूल takes place by atmospheric oxygen and for cumene hydroperoxide which undergoes reaction with acid and to form our final product such as phenol and acetone. So first of all we see how cumene is formed. Let's start. The starting material benzene and propylene in the presence of a catalyst phosphoric acid H3PO4 it's convert into a cumene this compound is also known as isopropyl benzene. This is the isopropyl benzene. तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, क्यूमीन या फॉग प्रोसेस। तो क्यूमीन प्रोसेस में अब हम क्यूमीन से ही फिनॉल और एसीटोन सिंथेसाइज करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे रिएक्शन की कंडीशंस क्या हो सकती है, या तो रिएक्शन को सनलाइट दे दिया जाए या रिएक्शन को हीट कर दिया जाए या रिएक्शन को एक परऑक्साइड की प्रेजेंस में इनिशिएट किया जाए। ऑल्सो परऑक्साइड HNU एंड हीट, तो ये इनिशिएटर हैं जो कि इनिशिएट कराएंगे हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्यूमीन से कैसे हम लोग फिनॉल और एसीटोन बनाएंगे। स्टेप वाइज हम लोग देखेंगे।
पहले हम लोग इसकी जनरल रिएक्शन देख ले। ये क्यूमीन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि एक इनिशिएट करेगा रेडिकल के फॉर्म में। तो ये हमारा ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा क्यूमीन हाइड्रो प्रोपॉक्साइड, जो कि एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना देगा फेनॉल और एसीटोन। तो ये जनरल रिएक्शन है क्यूमीन प्रोसेस की। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली फ्री रेडिकल रिएक्शन कैसे हो रही है। तो हम लोग देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ क्यूमीन मॉलिक्यूल तो देखेंगे क्या होगा। यहां पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है और सनलाइट है। अब ये हीट सॉरी सनलाइट इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी, तो इसको एक प्रोसेस कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। मींस द बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड, वन इलेक्ट्रॉन कम ऑन दिस कार्बन एंड वन इलेक्ट्रॉन कम ऑन दिस हाइड्रोजन एटम, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, और इसीलिए इसको बोलते हैं हीमोलिटिक क्लीवेज। तो अभी ये बॉन्ड हाफ साइड में तोड़ेंगे रेडिकली, तो ये एक फ्री रेडिकल यहां जनरेट हो गया और एक ये यहां, ये हाइड्रोजन रेडिकल निकलेगा। अब क्या होगा, ये भी फ्री रेडिकली ही टूट जाएगा और ये इस पर अटैक करेगा ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। अब एक नेक्स्ट क्यूमीन मॉलिक्यूल आएगा यहां से, फिर से एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकलेगा और ये इस ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड कर लिया जाएगा और ये क्यूमीन रेडिकल फिर से जनरेट हो जाएगा।
यही हमारा एक इंटरमीडिएट है, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो प्रोपॉक्साइड। अब देखेंगे मीडियम में हम लोग H2SO4 लेते हैं डाइल्यूट, वहां से H प्लस आएगा और इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और इसका पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ न्यूट्रलाइज करेंगे इस ऑक्सीजन को, ये बॉन्ड टूटेगा इस साइड, तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा एंड द सेम टाइम यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, इस फेनिल रिंग को इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही शिफ्ट करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा और ये बनेगा CH3 ऑक्सीजन और ये। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मीडियम में वाटर अभी निकला था, यही वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो मैं ऐड करता हूं प्लस H2O। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव इस कार्बन का इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा और ये वैसा ही। देखते हैं ये फिर से बैलेंस होगा, क्योंकि हमने प्रोटॉन दिया था और प्रोटॉन निकल जाएगा माइनस H प्लस और ये कंपाउंड CH3 OH एंड O फेनाइल रिंग। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये यहां टूट जाएगा, तो यहां नेगेटिव आएगा और यहां पॉजिटिव, और ये ही हाइड्रोजन इस नेगेटिव के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा और बन जाएगा हमारा फेनॉल मॉलिक्यूल। ये फेनॉल बन चुका है और ये हमारा एसीटोन। तो ये है सिंपली मैकेनिज्म ऑफ क्यूमीन प्रोसेस, और इसका जो यूज है वो वर्ल्ड वाइड फेनॉल और एसीटोन प्रोडक्शन में होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो फेनॉल बना है या जो प्रोडक्ट बने हैं उसके हमारी लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, क्या उसके यूज है, वो हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, जो फिनॉल है वो एक हाउसहोल्ड क्लीनर्स के रूप में इसका यूज होता है, माउथ वॉश एज अ यूज होता है, और इन मेडिसिन या फार्मा इंडस्ट्रीज में इसका यूज बहुत सारी मेडिसिन बनाने में होता है,
और जो डॉक्टर्स हैं वो इसका यूज सर्जिकल एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका बहुत ही यूज होता है फिनॉल का, जो कि बहुत सारे कंपाउंड्स की सिंथेसिस में इसका यूज होता है। और जो पॉलीमर इंडस्ट्रीज है उसमें भी फिनॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सच एज बेकेलाइट एंड मैनी अदर पॉलीमर्स आर फॉर्म ऑन द फिनॉल। तो ये है क्यूमीन प्रोसेस, इसकी मैकेनिज्म और एप्लीकेशन। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।